अलबत्ता इस नियाज में ये ख्याल रखें आप कि जो बुजुर्गों के नाम पर अलग अलग डिशेस लोगों ने बना रखा है ना, कि इमाम जाफर सादिक हो तो खीर पूरी होनी चाहिए, गौस आजम हो तो मुर्गा ही होना चाहिए, इमाम हुसैन हो तो खिचड़ा ही होना चाहिए, ये जो अलग अलग डिशेस अलग अलग बुजुर्गों के नाम पर बिल्कुल फिक्स्ड है, ये सही नहीं है। बल्कि आप किसी भी वली के नाम पर किसी भी हलाल जायज चीज पर फातिहा कर सकते हैं, नियाज कर सकते हैं। अगर आपने इमाम जाफर सादिक के नाम पर किसी और चीज पर नियाज कर दी, मसलन खीर पूरी नहीं बनाया, आपने लड्डू बना लिया या कहीं बाहर से मंगा लिया, या आपने पेड़ा बना लिया या मंगा लिया, या आपने बिरयानी और पुलाव बना लिया, तो कोई मसला नहीं है, कोई कबात नहीं, आप कर सकते हैं। गौसे आजम के नाम पर मुर्गा न बन सके, खीर भी बना लोगे तो भी कोई मसला नहीं। बाज लोग कहते हैं कि मुर्गा ही होना चाहिए, और बाज लोग तो उसमें भी इतना स्ट्रीम पर चले जाते हैं कि मुर्गा भी देसी होना चाहिए, देसी होना चाहिए, और पता नहीं क्या क्या लोगों ने अपनी तरफ से बना रखा है। अब जिसको न बन सके, जो न जुड़ सके, न ला सके, वो क्या करे बेचारा, कहेगा करेंगे नहीं, चलो जाने दो, कहां से देसी मुर्गा लेकर आए, एक तो इतनी महंगाई, उसके बाद देसी मुर्गा वो भी खरीद के लाना है, कोई गांव देहात तो है नहीं कि पाला था और जबा कर दिया, कहां से लेकर आए, तो ये मामला तो नहीं होने चाहिए।